हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। मैं अभिषेक कुमार आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, जिसमें हम लोग शुरू किए थे NCERT की प्रश्नावली 1.1 और पिछली वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ा दिया था। आज के इस वीडियो में हम आपको आगे के प्रश्नों की ओर लेके चल रहे हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 4 से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या चार में कह रहे हैं, सवाल है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण के रूप में व्यक्त कीजिए। पहली सवाल है, सवाल नंबर 4 की पहली सवाल, उन्होंने कहा है 3, 6, 9, 12। क्या कहा है? समुच्चय निर्माण विधि में क्या कीजिए, लिखिए। हमने आपको पहले ही बता दिया है कि समुच्चय को निरूपित करने के लिए हमारे पास दो विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? दो विधियां हैं। कौन कौन सी? एक तो विधि है जिसे हम लोग रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म, या इसी को क्या बोलते हैं, तालिका विधि, ठीक है। या दूसरी कौन सी विधि है? गुण विधि है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, समुच्चय निर्माण विधि। क्या बोलते हैं? समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है। तो रोस्टर विधि में क्या होता है? रोस्टर विधि में समुच्चय के अवयवों को मझले ब्रैकेट में कॉमा के साथ लिखा जाता है। और समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि में समुच्चय को क्या किया जाता है, उसकी परिभाषा के अनुसार परिभाषित करते हुए लिखा जाता है, यक्स सच दैट यक्स, जहां यक्स के बारे में जो भी बातें होती हैं हम लोग क्या कर देते हैं, बोल देते हैं, ठीक है। तो यहां आप देख पा रहे होंगे सवाल नंबर 4 की पहली सवाल में उन्होंने कहा है कि 3, 6, 9, 12 यहाँ अवयव जो लिखे गए हैं वो मझले ब्रैकेट में है और किसके साथ लिखे गए हैं, कॉमा के साथ लिखे गए हैं। इसलिए हम इसे क्या करेंगे, समुच्चय, ये तो रोस्टर विधि में लिखा है, रोस्टर विधि से हम लोग किसमें बदल रहे हैं, समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि में बदल रहे हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, इसे लिखेंगे जब रोस्टर समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि में, तो देखेंगे हम ये कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, जो कौन सा गुण है जो ये नंबर क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये 3 है, ये 3 में 1 का गुणा है, फिर यहाँ देखेंगे आप इसमें 3 में 2 का गुणा है, फिर आप यहाँ देखेंगे यहाँ 3 में कितने का गुणा है, 3 का गुणा है, तो फिर यहाँ देखेंगे आप तो यहाँ 3 में कितने का गुणा है, 4 का गुणा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ये पैटर्न लिखा है वो 3n के रूप का लिखा है। किसके रूप में लिखा है? 3n के रूप के लिखा, 3n के रूप में लिखा है, और जहां n की जो वैल्यू है वो 1 है, 2 है, 3 है, 4, इससे ज़्यादा भी n की वैल्यू के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्या लगा दिया गया है, ये ब्रैकेट यहीं क्लोज कर दिया गया है, डॉट डॉट भी नहीं है कि हम इसके आगे भी लिख सकते हैं। जैसे 3 का 5 से गुणा करके हम लोग यहाँ आगे नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि नंबर यहीं पर क्या कर दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं। तो इसका जो हम लोग गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि में लिखेंगे, वो लिखेंगे मझले ब्रैकेट में यक्स सच दैट यक्स, जहाँ यक्स बराबर 3n, जहाँ यक्स बराबर क्या है, 3n, और n बराबर 1, 2, 3 और क्या है, 4। ये रहा आपकी पहली सवाल का आंसर, यक्स सच दैट यक्स, जहाँ यक्स बराबर 3n है और जो n की वैल्यू है वो 1 है, 2 है, 3 है और कितनी है, 4 है। सवाल नंबर 4 की दूसरी सवाल देखिए, सवाल नंबर 4 के 2 में उन्होंने कहा है 2, 4, 8, 16, 32। उन्होंने लिखा है 2, 4, 8, 16 और 32, ठीक है। क्या करना है हमें इसे भी किस विधि में लिखना है, गुण विधि या इसी फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके पैटर्न को समझते हैं, यहाँ पैटर्न में क्या लिखा जा रहा है। आप पैटर्न देखेंगे तो यहाँ क्या लिखा है, 2 लिखा है, फिर यहाँ कितना लिखा है, 2 लिखा है, 2 दूना कितना लिखा, 4, फिर यहाँ कितना लिखा है, 8 लिखा है। तो अगर हम लोग पैटर्न देखें, यहाँ लिखा है 2n के रूप में, कैसे लिखा है, 2n के रूप में, कैसे, अगर हम लोग यहाँ 2n का मान कितना रखें, 1 रखें, तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। यदि हम लोग यही 2 की जगह क्या रख दें, 2 रख दें, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यदि 2 क्या कर दें, 3 कर दें, तो आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ें तो 2 4 कर दें, तो आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यदि हम लोग आंसर में फिर से 2 5 कर दें, तो कितना हो जाएगा,
32 हो जाएगा। इसलिए जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो 2 की पावर किसके रूप का है, n के रूप का है, और जो n की वैल्यू है वो अब कहाँ से कहाँ तक है, 1, 2 कहाँ तक है, 5 तक। तो हम लोग इसे कैसे लिखेंगे, रोशन गुड विधि में कैसे लिखेंगे, लिखेंगे x सच दैट x, जहाँ x बराबर 2 की पावर n, 2 की पावर n, और n जो है वो क्या है, n जो है वो 1, 2, 3, 4, 5 तक की क्या है, संख्याएं। इससे ज़्यादा की संख्याएं हम नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ हमारे पास क्या है, संख्याओं के अंतिम में सिर्फ 32 लिखा है, यहाँ डाट डाट की कोई बात नहीं हुई है। अगला प्रश्न देखिए, सवाल नंबर तीन है, 5, 25, 125, 5, 25, 125, 625। यहाँ मजला ब्रैकेट, यहाँ भी मजला ब्रैकेट, ठीक है ना। देखिए समुच्चय लिखा है मजले ब्रैकेट में, 5, 25, 125, 625। हमें क्या करना है, इसे समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि में लिखना है। तो सबसे पहले हम इसके फॉर्मेट को समझेंगे कि इस फॉर्मेट में हो क्या रहा है। तो आपको दिख पा रहा होगा कि ये कितना लिखा है, 5। यदि हम लोग इसे 5 की पावर 1 की फॉर्मेट समझें तो 5 की पावर 1 करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। ये इसे देखें, ये कितना लिखा है, 5 की पावर 2। 5 की पावर 2 करोगे तो 5 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 5 गुणे 5, 5 5 25, सही बात है। यदि हम लोग इसे फिर से लिखना चाहें तो 5 की पावर क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। 5 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 5 कितनी बार 3 बार, 5 गुणे 5 गुणे 5। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 5 25 5 125 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से अगर इसे लिखना चाहें तो इसे क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 4। तो आपको ये फॉर्मेट आपको समझ आ गया होगा, इसे हम लोग 5 की पावर 1, इसे 5 की पावर 2, इसे 5 की पावर 3, और इसे 5 की पावर क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। इसलिए इसे गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखेंगे, x सच दैट x, जहां x बराबर 5 की पावर n, और n की जो वैल्यू है उसके बारे में भी हमें बोलना पड़ेगा, 1, 2, 3 और क्या है, 4। इससे ज़्यादा की वैल्यू के बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ हमारा जो अंतिम नंबर है वो कितना है, 625। अगली सवाल में उन्होंने कहा है, चौथी सवाल है, सवाल नंबर 4 का चौथा क्वेश्चन, 2, 4, 6 क्या लिखा उन्होंने, मजले ब्रैकेट में 2, 4, 6 डॉट 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 डॉट, ठीक है। इस बार आप देखिए फॉर्मेट क्या है हमारे पास, अगर फॉर्मेट देखें आप तो यहाँ क्या है, 2 गुणे क्या है 1 का फॉर्मेट है, फिर यहाँ फॉर्मेट आप देखें तो यहाँ फॉर्मेट है कितने का, 2 गुणे 2 का फॉर्मेट है, फिर यहाँ फॉर्मेट देखें तो ये 2 गुणे कितने का है, 3 का है। ऐसे हम लोग देख पा रहे होंगे, अगर आगे ऐसे बढ़ेंगे तो यहाँ कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। ये जो फॉर्मेट है वो कितने का है, 2 की पावर कितना 2 गुणे कितना 4। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि ये जो नंबर है वो क्या हो रहा है, बार बार बदल रहा है, मतलब 1, फिर कितना 2, फिर 3, फिर 4। अर्थात यहाँ जो नंबर्स लिखे गए हैं वो नंबर क्या है, 2 के गुणज हैं, 2 के क्या है गुणज। या आप देख पा रहे होंगे कि ये जो सब संख्याएं लिखी गई हैं ये सम संख्याएं हैं, क्या है, सम संख्याएं हैं। तो अगर आप गुणज के रूप में लिखना चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि में, x सच दैट x, जहां x, जहां x बराबर 2n, और n, और n क्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, यन से। तो कहेंगे क्या भैया, प्राकृतिक संख्या, क्या, प्राकृतिक संख्या, ठीक है, जहां यन कौन है, प्राकृतिक संख्या है। या फिर आप इसे कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं यक्स सच दैट यक्स, जहां यक्स सम संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है। ये है आपका ये वाला सवाल, ठीक है। 4 के बाद 4वीं सवाल के बाद 5वीं सवाल की ओर बढ़ते हैं। 5वीं सवाल में उन्होंने लिखा है 1, 4, 9 डॉट डॉट डॉट, फिर लिखा है 100। आपको स्पष्ट होगा
कि ये जो फॉर्मेट लिखा है मझले ब्रैकेट के अंदर अवयवों के मध्य कामा लगा करके, ये फॉर्मेट हमारा कौन सा फॉर्मेट कहा जाता है? रोशर फॉर्मेट कहा जाता है, या इसे तालिका विधि कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसे क्या करेंगे, गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि में बदलेंगे। तो यहाँ से अवयवों को परिभाषित करते हुए लिखेंगे, ठीक है। यहाँ 10 नहीं, यहाँ क्या है 100, यहाँ क्या है 100। तो आप देख पा रहे होंगे ये क्या लिखा है, 1, फिर ये 2, ये 2 नहीं 4, कितना 4, फिर 9, फिर डॉट 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 करके उन्होंने क्या लिखा 100। तो आप देखें तो यहाँ जो नंबर है वो किस पैटर्न पर है, 1 का वर्ग, फिर ये जो है वो कितने का है 2 का वर्ग, कितने का है 2 का वर्ग, फिर ये जो पैटर्न है वो कितने का है 3 का वर्ग, कितने का है 3 का वर्ग। ऐसे बढ़ते बढ़ते ये जो अंतिम पैटर्न है वो 10 का क्या है वर्ग। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 का वर्ग करेंगे 2 मिलेगा, 3 का वर्ग करेंगे 9 मिलेगा, और 10 का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा 100। 2 का वर्ग करेंगे तो 4 मिलेगा, 2 नहीं, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 मिलेगा। जैसे 2 का वर्ग मतलब 2 दो बार और 2 दूना 4, ठीक है। तो ये फॉर्मेट जो हमारा है, इस फॉर्मेट में हम लोग कैसे कैसे लिखेंगे, समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि में लिखेंगे, यक्स सच दैट यक्स, यक्स सच दैट यक्स, क्या प्राकृतिक संख्याओं, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का समुच्चय, वर्गों का समुच्चय, वर्गों का समुच्चय, यक्स सच दैट यक्स, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का समुच्चय, जहां यक्स जो है वो क्या है छोटा है और बराबर है 10 के। क्यों? क्योंकि यहां हमें जो अंतिम नंबर लेना है वो कौन लेना है 10। 10 के आगे के नंबरों के बारे में हमारे बात नहीं करनी है। तो हमने लिख दिया यक्स सच दैट यक्स, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का समुच्चय है, और जो यक्स है वो क्या है 10 से छोटा है, ठीक है। पांचवी सवाल देखिए, पांचवी सवाल में कह रहे हैं निम्नलिखित समुच्चय के अवयवों, निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। क्या कीजिए? सूचीबद्ध, 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 ठीक है ना, सूचीबद्ध। हमने आपसे क्या कहा, जो समुच्चय होता है उसे प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास कितने फॉर्मेट हैं, 2 फॉर्मेट, कितने फॉर्मेट 2 फॉर्मेट। एक फॉर्मेट का क्या नाम है रोस्टर, इसी का क्या नाम है तालिका, ठीक है। यहाँ इन दोनों को मिलाकर ही उन्होंने एक नया नाम प्रस्तुत कराया है, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं सूची बनाना, क्या कह रहे हैं सूचीबद्ध करना, ठीक है ना। और दूसरा जो फॉर्मेट है वो क्या है, गुण या समुच्चय निर्माण विधि। अभी जो सवाल हमने लगाई है उस सवाल में उन्होंने रोशर फॉर्मेट दिया था और उसे समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि के फॉर्मेट में चेंज करना था। सवाल नंबर 5 में उन्होंने क्या कहा, सूचीबद्ध कीजिए, मतलब आपको सवाल समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि में दी गई है, उन्हें किसमें तालिका विधि या रोस्टर फॉर्म में क्या करना है लिखना है। आप समझ रहे हैं कि रोस्टर विधि या तालिका विधि में अवयवों को मछले ब्रैकेट के अंदर कॉमा के साथ लिखा जाता है। तो सवाल नंबर 5 की पहली ए, समुच्चय ए, यक्स सच दैट यक्स, एक विषम प्राकृतिक संख्या, एक विषम प्राकृतिक, एक विषम प्राकृतिक संख्या, एक विषम प्राकृतिक संख्या। तो विषम प्राकृतिक संख्या, उन्होंने कोई कंडीशन तो बताई नहीं कि आपको विषम संख्याएं लिखनी है इतने से लेकर इतने तक के। उन्होंने कहा केवल क्या, एक विषम प्राकृतिक संख्या लिखिए आप। तो विषम प्राकृतिक संख्या के लिए जो आप रोस्टर फॉर्म या सूचीबद्ध लिखेंगे वो 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 डॉट, आपको रुकना नहीं है क्योंकि उन्होंने कोई कंडीशन नहीं कही है। सवाल नंबर 2 देखिए, सवाल नंबर 2 में उन्होंने कहा है यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक, बी यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक, एक पूर्णांक, एक पूर्णांक है, और जो यक्स है, और जो कौन है यक्स है वो बड़ा है -1/2 से और छोटा है 9/2 से, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इसे हम लोग कैसे कैसे, ये जो ये संख्याएं जो लिखी हैं इसे आप कैसे समझोगे। -1/2 का मतलब है, 1/2 का मतलब है 0.5, और माइनस लग जाएगा तो -0.5,
अगला कितना है, 9.2 का मतलब कितना, 4.5। यक्स की जो वैल्यू है वो बड़ी है 0.5 से, -0.5 से, और छोटी है 4.5 से। आप एक संख्या रेखा खींच लीजिए, संख्या रेखा पर यहाँ कौन है, शून्य है, और शून्य के इधर बढ़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस। तो यहाँ कौन हो गया, -1। इधर की ओर 1, 2, 3, 4 और ये रहा 5, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं, हमें -0.5 से, अगर ये -1 है तो 0.5 इससे और छोटा होना है, और 0.5 क्या है, -1 से क्या है, बड़ा है, इसलिए वो कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। ये हो गया क्या, -0.5। आगे हम लोग बढ़े इधर, तो ये प्लस की ओर बढ़ेंगे, प्लस की ओर बढ़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4.5। तो ये वो 1, 2, 3, 4, ये कितना, 5। तो इन दोनों के बीच में कौन मिलेगा, 4.5। आपको जो नंबर लिखने हैं इस समुच्चय में, वो नंबर 0.5 से क्या, -0.5 से बड़े, और 4.5 से क्या लिखने हैं, छोटे। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें 0 भी इंक्लूड है, और कौन इंक्लूड है, 4 भी इंक्लूड है। तो आपको जो नंबर इसके अंदर लिखने हैं समुच्चय बी में, वो कौन कौन से लिखने हैं, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। 4 लिखना है, 4.5 भी नहीं लिखना है। क्यों, क्योंकि 4.5 में उन्होंने जो चिन्ह लगाया है वो चिन्ह ये है कि सिर्फ और सिर्फ क्या लगाइए आप, छोटा लगाइए, बराबर भी नहीं लगाना है। इसलिए हमारा आंसर होगा 0, 1, 2, 3 और 4। आगे बढ़े तो सवाल नंबर 3 देखिए। सवाल नंबर 3 में कह रहे हैं यक्स सच दैट यक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। कहा है समुच्चय सी, यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है और जो यक्स स्क्वायर है वो छोटा है कितने से, 4 से, ठीक है। सबसे पहले तो इसकी बात समझ लीजिए कि यक्स स्क्वायर इज लेस देन 4 का क्या शाब्दिक अर्थ है। जैसे यहां आपने इसे समझा है वैसे ही इसे देखिए। सबसे पहले तो इन्हीं को पकड़ना है और इन्हीं को सॉल्व करना है। आप क्या करो, दोनों पक्षों में रूट ले लो। जब आप दोनों पक्षों में रूट लोगे तो ये फॉर्मेट बनेगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू रूट अंडर 4, ठीक। फिर यहां से जब दोनों में रूट लगा है तो यहां से जब ये स्क्वायर और रूट एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, तो यहां कौन बचेगा, एक्स, और यहां हो जाएगा लेस देन इक्वल टू यहां कितना, 2। कौन हो जाएगा, 2, ठीक है ना। आप समझ रहे हो कि रूट से बाहर निकलेगा तो कौन हो जाएगा, आप लिख दीजिए इसे +-2। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा यक्स जो है वो छोटा है और बराबर है 2 से, बड़ा है और बराबर है -2 से, ठीक है। ये जो हमारा यक्स होगा वो किससे किससे, -2 से लेकर के कहां तक होगा, 2 तक होगा, ठीक है ना। तो आप क्या बना दीजिए, एक संख्या रेखा बनाइए, संख्या रेखा बना दिए, संख्या रेखा पे कौन है, ये 0 है। इधर की ओर बढ़ेंगे तो कौन, -1, इधर बढ़ेंगे तो -2, यहाँ 1, यहाँ 2, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा जो C हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, C की ओर आगे बढ़ेंगे तो C हो जाएगा -2, फिर कौन, -1, फिर कौन, 0, फिर कौन, 1, फिर कौन, 2, ठीक है ना। तो ये हमारा जो समुच्चय सी है वो क्या हो गया, एक पूर्णांक हो गया जिसमें एक्स स्क्वायर लेस देन क्या है, 4, ठीक है। अगली सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़े तो सवाल नंबर 5 की चौथी सवाल में उन्होंने कहा है डी, क्या कहा है, डी एक्स इज सच दैट एक्स लॉयल शब्द का एक अक्षर, डी समुच्चय डी लिखा है, उन्होंने लिखा है एक्स इज सच दैट एक्स लॉयल, लॉयल शब्द का एक अक्षर, शब्द का एक अक्षर, ठीक है, अक्षर है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको हम बता चुके हैं कि ये लॉयल में जो शब्द लिखे जाते हैं समुच्चय में, जो शब्द लिखे अवयव लिखे जाते हैं उनको दोहराया नहीं जाता। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे जो समुच्चय हमारा डी है उसमें क्या लिखेंगे, यल लिखेंगे, ओ लिखेंगे, वाई लिखेंगे, ए लिखेंगे, फिर से यल आया है तो यल एक बार हम लिख चुके हैं इसलिए दोबारा से यल नहीं लिखेंगे। तो ये जो हमारा समुच्चय
कॉमा के साथ अवयवों को लिखा गया है, ये जो फॉर्मेट है वो कौन सी है? रोस्टर फॉर्मेट है, सूचीबद्ध है, या आप इसे क्या कहते हैं? तालिका फॉर्मेट कहते हैं। सवाल नंबर 5 हम लोग पढ़ रहे हैं, और पांचवी की कौन सी सवाल? पांचवी की पांचवी। कह रहे हैं एक समुच्चय है ई, समुच्चय ई यक्स सच दैट यक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है, वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन होते हैं, जिसमें 31 दिन होते हैं, जिसमें 31 दिन होते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहे हैं, जिसमें 31 दिन होते हैं, तो आप जान रहे हैं कि वर्ष में कुल 12 महीने होते हैं, और 12 महीने जो होते हैं उसमें से जो जनवरी है, जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में नहीं होते, फिर मार्च में, अप्रैल नहीं, अप्रैल, फिर से मई, मई के बाद जून नहीं, और उसके बाद जुलाई, और उसके बाद अगस्त, उसके बाद सितंबर नहीं होगा, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर, फिर नवंबर नहीं होगा, कौन होगा? दिसंबर। ठीक है, अगली सवाल देखिए, पांचवे की बात, छठी सवाल। कह रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक क्या है? व्यंजन यक्स सच दैट यक्स, अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर जो के से पहले आता हो, आता है। तो ये तो हो गई हमारी कौन सी फॉर्मेट? समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि हो गई। इसे हम लोग क्या लिख रहे हैं? इसे हम लोग रोस्टर फॉर्म में सूचीबद्ध कर रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे? के से पहले आने वाले सभी अवयवों को लिख दीजिए। क्या? ए बी सी डी, ऐसे कहां तक? के से पहले आई, फिर जे, फिर कौन होता है? आई जे। ठीक है ना, आपको यहां तक लिखना है। ठीक, तो ये रहा आपका सवाल नंबर 5 जो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आगे देखिए हम लोग सवाल नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 में कहा है कि बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर में समुच्चय निर्माण के रूप में लिखित वर्णित समुच्चयों का सही से क्या कीजिए? मिलान कीजिए। इधर उन्होंने क्या लिखा है? रोस्टर फॉर्म लिखा है 1 2 3, 1 2 3, फिर क्या लिखा है? 6। दूसरा उन्होंने लिखा है सिर्फ समुच्चय 2 और 3। तीसरा उन्होंने लिखा है क्या? मैं यम कॉमा ए कॉमा टी एच ई आई सी और यस। ठीक है, और चौथे वाले फॉर्मेट में क्या लिखा है उन्होंने? चौथे वाले फॉर्मेट में लिखा है 1 3 5 7 और 9। ठीक है, इधर उन्होंने ए बी सी डी में यही सब बातें क्या लिखी हैं? समुच्चय गुण विधि में। किसमें? समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि में। ठीक है, ये सी और ये कौन? डी। पहले में लिखा है यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या और 6 की भाजक। एक क्या है? अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, और क्या है? 6 की भाजक है। अभाज्य संख्या है और क्या है? 6 की भाजक। तो आप देखें कि अभाज्य संख्या कहाँ है। अगर आप इस वाली लाइन को देखेंगे तो ये इसमें 1 है जो क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि परिभाषा अभाज्य संख्या की होती है 1 से बड़ी वे संख्याएं जो स्वयं और दो स्वयं से और 1 से विभाजित हो जाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं, इसलिए ये तो नहीं है। फिर हम आगे बढ़े 2 और 3, तो 2 और 3 दोनों क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए 2 का मिलान हो जाएगा किससे? ए से। किससे हो जाएगा? ए से, क्योंकि 2 और 3 अभाज्य संख्याएं हैं और 6 की क्या है? भाजक भी हैं। ठीक है, यक्स सच दैट यक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या। 10 से कम है और क्या है? विषम भी है। 10 से कम अगर आप इसमें देखें तो इसमें कौन है? ये सम संख्या हो जाती है, इसलिए ये तो आंसर नहीं है। फिर 1 3 5 7 और 9 बचता है जिसका मिलान किससे हो जाएगा? बी से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? बी से। फिर आगे देखें तो उन्होंने लिखा है यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या और 6 की क्या है? भाजक।
तो भैया यहाँ देखेंगे एक दो तीन छः, ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। और इन ये जो सभी संख्याएं हैं वो क्या है? छः के डिविजिबल हैं। तो ये हो जाएगा किससे मिलान? इसका सी से। जो बच गया है उसका मिलान किससे हो जाएगा? डी से। अर्थात पहले का मिलान किससे हो जाएगा? पहले का मिलान हो जाएगा सी से। दूसरे का मिलान किससे हो जाएगा? दूसरे का मिलान हो जाएगा किससे? ए से। और तीसरे का जो मिलान है वो किससे होगा? तीसरे का मिलान हो जाएगा किससे? डी से। दूसरे का मिलान ए से, तीसरे का मिलान डी से, और बचा कौन? चौथा। चौथे का मिलान किससे हो जाएगा? बी से। तो आपकी प्रश्नावली क्या हो गई है? समाप्त हो गई है। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।